मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ आम के 5 पत्ते और चांदी का 1 सिक्का आपको बना सकता है धनवान, जाने माँ लक्ष्मी का ये अनोखा उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन का लालच हर किसी को होता है। कोई कितना भी कहे मुझे पैसों से मोह माया नहीं है, लेकिन जब पैसा आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है, सब इसके मजे लेना चाहते हैं। फिर आज के महंगाई के जमाने में ये पैसा काफी जरूरी भी हो गया है। ये जेब में हो तो इंसान का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हालांकि धन प्राप्त करने में मेहनत और हुनर के साथ भाग्य की भी जरूरत होती है। आपका भाग्य जितना प्रबल होगा, आपको उतनी जल्दी और आसानी से पैसा मिल जाएगा। धन के मामलों में यदि आप अपनी किस्मत जोरदार करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी के चरणों में जाना पड़ता है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर देता है, उसे धन की कभी कमी नहीं होती है। अब आपकी तरह ही लाखों लोग रोजाना माँ लक्ष्मी से धन की मांग करते हैं। ऐसे में यदि आप बाकियों से 2 कदम आगे रहकर अपनी इच्छाएं जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं, तो आज हम आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और जल्दी धनवान बनने का बड़ा ही अनोखा और दुर्लभ तरीका बताने जा रहे हैं। इसे आपने आज से पहले शायद ही पढ़ा या सुना होगा। हमारे बताए इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार को सुबह नित्य कर्मों को करने के पश्चात स्नान कर लें। अब पीला रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने 1 लाल कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर 5 आम के पत्ते रख दें, साथ ही 1 चांदी का सिक्का रखें। यदि आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते तो सामान्य सिक्का का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब माँ लक्ष्मी के सामने घी का 1 दीपक जलाएं, उनकी आरती करें, हाथ जोड़ें और माथा टेकें। माता रानी को अपनी समस्या या मनोकामना बताएं। अब 1 काले रंग का धागा लें और उसके अंदर आम के 5 पत्ते पिरो दें। हर 1 पत्ता पिरोते समय आपको 1 मंत्र बोलना है, यानी आप ये मंत्र कुल 5 बार बोलेंगे। ये मंत्र इस प्रकार है। महालक्ष्मी चा विद्महे, विष्णु पत्नी चा धीमहि, तन्नो लक्ष्मी है प्रचोदयात। अब आम के पत्तों की बनी ये छोटी सी माला को आप अपने दरवाजे के ऊपर टांग दें। इसे वहाँ कम से कम 1 सप्ताह यानी अगले शुक्रवार तक रखें। इससे आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही ये माँ लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करेगी। आपने पूजा में जो चांदी का सिक्का या सामान्य सिक्का रखा था, उसे आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर धन की आमदनी में वृद्धि होगी, आवक बढ़ने लग जाएगी, साथ ही घर के खर्चे भी कम होंगे। ये उपाय आपको धीरे धीरे धनवान बना देगा। इसे आप महीने में कम से कम 1 बार जरूर करें। आम के पत्ते नए लें, बाकी सिक्का वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का 1 अनोखा उपाय। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।